कोई भी कंट्री से कोई लेना देना नहीं, तो आपने क्यों अपनी कंट्री चेंज करी? क्यों आपने अपने कंट्री कंट्री का नाम चेंज करके जो आप पहले वाले कंट्री से खेलते थे क्यों आपने इंडिया किया? जब साइकिल ऑन ऑफ साइकिल होता हूँ तो टीआरटी डोज पे रहता हूँ कि मेरा मसल मस लॉस ना हो। तो यार चूतिया किसको बना रहे हो भाई यार। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, और सब्सक्राइब कीजिए एंटिक फिटनेस इंडिया को। तो दोस्तों काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आ चुका हूँ फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, तो मेक श्योर आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी पहली अपडेट के बारे में जान लेते हैं, जो कि दोस्तों आ रही है एंड्री ड्यूक की तरफ से। एंड मैं सबसे पहले आप सभी को इनका लेटेस्ट फिजिक अपडेट दिखाना चाहूंगा कि इनकी जो ओवरऑल कंडीशनिंग है दोस्तों काफ़ी जबरदस्त लग रही है। इनके जो मसल्स फाइबर्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से विजिबल होने लगे हैं, और दोस्तों आप सभी देख ही सकते हैं कि इनकी कंप्लीट बॉडी भी अब एकदम श्रेडेड हो चुकी है। बाकी दोस्तों एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि टेक्सास प्रो 2022 में शायद ही कोई ऐसा बॉडी बिल्डर आएगा जो कि मेंस फिजिक कैटेगरी में एंडी ड्यूक को ओलंपिया में क्वालिफाई करने से रोक सके। तो चलिए दोस्तों अब अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जान लेते हैं, जो कि दोस्तों आ रही है आईएफबीबी प्रो पंकज की तरफ से। और दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा इनका लेटेस्ट फिजिक अपडेट, जो कि दोस्तों काफी जबरदस्त लग रहा है। एंड दोस्तों इसके अलावा भी आप सभी इनके पोजिंग रूटीन पर भी फोकस कर सकते हैं, जो कि दोस्तों काफी अच्छा है। और दोस्तों मैं ये कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि आप सभी को क्या लगता है कि आईएफबीबी प्रो पंकज इस बार होने वाले मुंबई प्रो शो 2022 में किस तरह का परफॉर्मेंस देंगे। आप सभी अपना ओपिनियन एक बारी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों आ रहा है एंड्रयू जैक्ट की तरफ से। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एंड्रयू जैक्ट अभी रिसेंट में ही अपने एक लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, जिसमें कि दोस्तों आप सभी इनकी ओवरऑल कंडीशनिंग को देख सकते हैं। दोस्तों इनके शोल्डर्स काफी ज्यादा ह्यूज एंड एकदम राउंड पोजीशन में आ चुके हैं। इसके अलावा भी जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि इनके जो ओवरऑल मसल्स हैं वो भी काफी अच्छी तरीके से विजिबल होने लगे हैं। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये आर्नोल्ड क्लासिक यूके जो कि दोस्तों होने वाला है 23 से 25 सितंबर के बीच में, उसमें काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। बाकी दोस्तों जो लेटेस्ट फिजिक अपडेट अभी रिसेंट में आप सभी ने देखा, उसको देखकर आप सभी को क्या लगता है कि क्या आर्नोल्ड क्लासिक यूके को ये बहुत ही इजीली जीत पाएंगे या नहीं? आप सभी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार आईएफबीबी प्रो राहुल फिटनेस ने तरुण गिल को लेकर क्या करा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भाई के बारे में बात करते हैं, तरुण गिल भाई के बारे में बात करेगा आज भाई यार एक चीज बताऊ, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने एक बार शॉट ले लिया, ठीक है, बॉडी में अगर आपके शॉट चला गया, आपने 2 महीने 3 महीने साइकिल कर ली, तो बंदा अपनी फिजिक को मेंटेन कर सकता है। आप कुछ भी खाओ, ठीक है, बॉडी वैसी की वैसी रहेगी। और ये जो बंदे बोलते हैं ना कि भाई हम सब कुछ खा रहे हैं, हम कोई शॉट नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, उसके बाद भी हमारी बॉडी रखी हुई है, तो भाई उनसे पूछना टीआरटी डोज पे होंगे, 15 दिन में एक शॉट लगाते होंगे, ठीक है। किसी की बॉडी ना, कोई भी बॉडी बिल्डर हो कितना भी तगड़ा, अगर उसने माल छोड़ दिया, ठीक है, अगर उसने माल छोड़ दिया तो बॉडी 1.5 से 2 महीने के अंदर बैक आ जाती है, ठीक है। तो बॉडी को होल्ड करने के लिए ना बॉडी बिल्डर टीआरटी डोज पे आ जाते हैं। तो भाई मैं भी जब साइकिल ऑन ऑफ साइकिल होता हूँ तो टीआरटी डोज पे रहता हूँ कि मेरा मसल मस लॉस ना हो। तो यार चूतिया किसको बना रहे हो भाई यार, बच्चों को पागल बना रहे हो यार। बताओ तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन समझने वाले लोग समझ गए। और सब कुछ खा के बॉडी बन जाती है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप कटिंग करोगे ना तो भाई बंदे की असली औकात सामने आ जाती है, क्योंकि वो पता चलेगा आपको बाद में कि आपने मसल गेन किया था फैट गेन किया। तो कोई बड़ा नहीं इतना यार, कोई भाई बोले कि मैं इतना बड़ा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि दोस्तों आ रही है मनोज पाटिल की तरफ से। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मनोज पाटिल किसी बात को लेकर भुवन चौहान पर काफी ज्यादा गुस्सा हुए हैं दोस्तों, और दोस्तों इसका जो भी रीजन होगा वो आप सभी को इस वीडियो को देखकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुन लेते हैं। व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एक आपसे बात करनी थी, हमारे एक प्रिय मित्र है जो एथलीट है, आईबीवी प्रो है, उन्होंने एक बार बोला था कि बॉडी बिल्डिंग इज अ ब्यूटी पैटर्न गेम और उसका लेना देना कुछ नहीं होता, ये कंट्री कंट्री करते हैं, वो फेक पेट्रोलियम करते हैं या फेक लोग हैं जो कंट्री के नाम पे फॉलोवर गेन करते हैं, ऐसा वैसा ये वो। और वो बात सुन के बहुत सारे लड़के लोग हैं वो इंडिया के एथलीट्स को गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं कि तुम लोग फेक चीज़ें करते हो। ठीक है, अगर आपने देश से प्यार करना हो या फिर देश के लिए कोई गाना लगाना हो या फिर इंडिया इंडिया चिल्लाना हो, इससे तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम बोलते हो कि बॉडी बिल्डिंग का कोई भी कंट्री से कोई लेना देना नहीं, तो आपने क्यों अपनी कंट्री चेंज करी? क्यों आपने अपने कंट्री का नाम चेंज करके जो आप पहले वाले कंट्री से खेलते थे क्यों आपने इंडिया किया? तो आपने क्यों चेंज किया, क्यों कंट्री का नाम चेंज किया, इंडिया लगा रहे हो? खेलो ना वही कंट्री से, खेलो जिस कंट्री में आप रहते हो, खेलो वो कंट्री से। आप देखना चाहते हो कि आप इस कंट्री के ही
लोगों के फॉलोअर से आप अपना अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, यही कंट्री के लोगों से, इंडिया के कंट्री के लोगों से आप इतने बड़े हुए हो, और उसके बाद आप कंट्री का कोई लेना देना नहीं बोलते। खेलो ना वही कंट्री से खेलो, क्यों इंडिया लगाया आपने? और ये मुझे समझ में आता नहीं क्यों आपके इंडियन एथलीट्स को लेके आपको इतना बुरा फील होता है, या फिर कोई इंडियन एथलीट आपके बारे में कम्पीट करने की बात होती है तो आप उसको बोलते हो कि आप हम में ये नहीं है, हम में वो नहीं है, हमारे में वर्क एथिक्स नहीं है, हम अरे रहने दो ना भाई, हम में नहीं है, आप अपने पे ध्यान दो ना भाई, आप कोई हमें गाइड करने वाले लोग नहीं है। जिस साल आप प्रो कार्ड जीते थे उसके पहले हम 2016 में मिस्टर इंडिया टाइटल जीत चुके हैं, तो आपको पता नहीं होगा ये, आप जान लो बात को, आपके प्रो कार्ड जीतने के पहले ही हम मिस्टर इंडिया जीत चुके हैं। आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी, आप दूसरे कंट्री में रहते हो, आपने अच्छा किया, हम आपको अप्रिशिएट किया, हमने ऑलवेज अप्रिशिएट किया, सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, जितने यहाँ के लड़के लोग हैं उनने अप्रिशिएट किया, अच्छी बात है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये क्यों हेट स्प्रेड कर रहे हो समझ नहीं आ रहा, आप इंडियन एथलीट्स को ऐसे क्यों टारगेट करते हो, इसमें वर्क एथिक्स नहीं है, ये नहीं है, भाई आपको क्या करना है, वर्क एथिक्स हम में हो या नहीं हो डजंट मैटर, आप अपना अच्छा कर रहे हो ना, आप करो ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमको अच्छा लगता है, हम आपको ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं। बट ये चीज़ करके आप लोगों तक ये मैसेज भेज रहे हो कि कंट्री का कोई लेना देना नहीं होता, ये नहीं होता, फिर वही जिन्होंने लाइफ में कुछ किया नहीं है वो आपका सुन के हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, आप उनको सपोर्ट करते हो, ये चीज़ आपको जाननी पड़ेगी और आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको इंडियन एथलीट से प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो, दूसरे एथलीट जो है बाहर के उनको आप दो ना चैलेंज, उनसे आप बात करो ना, आप उनसे क्यों बात नहीं करते, इंडिया को आप तो इंडिया के एथलीट्स को तो आप बराबर टारगेट करते। ऐसा गेम है जिस गेम में उसको ओलंपिक से कोई मान्यता नहीं है, उसके बाद भी वो गेम चल रहा है, पूरी पूरी दुनिया पूरा इंडिया 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 करता है जब इंडिया मैच जीतता है, क्योंकि हमारे लिए कोई ना कोई कर रहा है, और इंडिया 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 करना ही क्या, ये कहाँ का बाहर के एथलीट को करो ना चैलेंज, उनको बोलो ना आप करो उनको चैलेंज, आपको सिर्फ इंडियन एथलीट दिखते हैं, इंडियन एथलीट्स को टारगेट करते रहते हो, क्यों हम इंडिया इंडिया करते हैं, आपको क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम जिस मिट्टी में रहते हैं उस मिट्टी का नाम हम लोग ऊपर लेके जाने को ट्राई करेंगे, फिर कोई भी गेम में हो इंडिया क्रिकेट वो चीज़ है कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हेट मत फैलाओ, आपके एक हेट करने से आपके एक कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है, लोग हम इंडियन एथलीट्स को गाली देते हैं और इंडियन एथलीट्स को बुरा बुरा बोलते हैं, यही चीज़ आपके साथ होगी तो आपको बुरा लगेगा, सही लगेगा आपको, सही लगेगा, तो जानो आगे बढ़ो लाइफ में, अपने काम पे ध्यान दो, आपका ओलंपिया है, आपकी सारी चीज़ है, उसको फोकस करो, और हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ ऑलवेज है, सारे इंडियन एथलीट जितने भी आए भी प्रोस हैं आपको सब सब आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।